इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब है कि एक ईएम वेव में कितनी एनर्जी है, कितने टाइम में और कितने एरिया में। मतलब एक ईएम वेव क्रॉस कर गई, एक ईएम वेव क्रॉस कर गई, कितने एरिया को क्रॉस कर गई और कितनी देर में क्रॉस कर गई, तो उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इन शॉर्ट, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड इंटेंसिटी। तो भाई याद रखना, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो हम एक मानते हैं कि मान लो ई एम वेव क्रॉस कर रही है। अब ई एम वेव तो पूरे रूम में क्रॉस करेगी, तो मैंने एक इसका छोटा सा पोर्शन ले लिया कि मान लो ई एम वेव यहाँ से यहाँ क्रॉस कर रही है और सी स्पीड के साथ क्रॉस कर रही है, और आपकी ई एम वेव मान लो यहाँ से यहाँ आ गई, और कितनी देर में आई? डेल्टा टी टाइम में आई। डेल्टा टी टाइम का मतलब ये डिस्टेंस कितना है? सी इन टू डेल्टा टी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए। तो इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया इन टू सी इन टू डेल्टा टी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे पता है कि हमें एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इस पोर्शन में कितनी एनर्जी है ई एम वेव की। एनर्जी की वैल्यू के लिए एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी? एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला यू, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला छोटा यू, और वॉल्यूम मेरे को पता है सी डेल्टा टी इंटू एरिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो मेरे को इतने वॉल्यूम में क्या निकालनी है? एनर्जी। तो यहाँ यहाँ से इन इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये रही आपकी एनर्जी, ये रहा आपका टाइम, और ये रहा आपका एरिया। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? यू इंटू सी। तो यहां से एनर्जी डेंसिटी क्या, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। अब एनर्जी डेंसिटी याद करें दो फॉर्म में की थी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला था, मैग्नेटिक में ये फॉर्मूला है। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिक में एग्जैक्टली क्या रहती है? सेम। क्योंकि आधी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है और आधी मैग्नेटिक होती है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी में पीक वैल्यू पुट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी, मैक्सिमम जो 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 वैल्यू है वो ई नॉट के साथ आएगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड तो साइनोसाइडल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंस्टेंटेनियस है। तो मान लेते हैं कि पीक वैल्यू कितनी है? ई नॉट है। तो ये एनर्जी डेंसिटी मैंने मैक्सिमम पुट की, और मैक्सिमम एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। सी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ गई। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी ई नॉट की फॉर्म में नहीं, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर किया, ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट साइनोसाइडल था, ईएमएफ साइनोसाइडल थी। तो आरएमएस करंट क्यों लेते थे? क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस में काम नहीं करना चाहते, तो हम किसकी वैल्यू लेते थे? आरएमएस की वैल्यू लेते थे। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता था? आई नॉट बाई रूट टू। आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या होती थी? ई नॉट बाई रूट टू। ऐसे इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड साइनोसाइडल है, मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल है, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ काम नहीं करना चाहते। हम क्या वैल्यू लेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। तो ई यहाँ पर ईएमएफ नहीं है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू ई नॉट बाई रूट टू, मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू बी नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ पर ई नॉट बाई रूट टू का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं? ई आरएमएस। तो ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एनर्जी डेंसिटी को मैग्नेटिक की फॉर्म में ये पुट करें और बी नॉट बाई रूट टू का स्क्वायर को क्या पुट करें? बी आर एम एस स्क्वायर। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को बॉक्स में डाल लें दोनों को। ये एनर्जी, ये किसका फॉर्मूला है? ये जो है ये फॉर्मूला आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर न्यूमेरिकल में इंटेंसिटी का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो ये फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। प्रूफ नहीं आते, मतलब ठीक है, मैंने आपको ज़रूर बताया कि कहाँ से आए, बट अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल जो आएगा वो इसके ऊपर पता होना चाहिए कि कैसे फॉर्मूला यूज़ किया है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।